अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रीटर C70 या C60 की शूट फीड गेट मोटर की कैसे असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की है। पार्ट वन में हम मोटर के साथ वाला छोटा गेयर बक्स सीखेंगे और इसी तरह पार्ट टू में बड़ा गेयर बक्स चैन व्हील वाली साइड का बनाना सीखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये जो बॉल बैरिंग आपको नज़र आ रहा है इसका नंबर 6301 है। यहाँ पे जो बैरिंग इस्तेमाल किया गया है इसकी टाइप है केम रूलर बैरिंग और इसका नंबर है 607। SKF LG HP2 हाई टेम्परेचर ग्रीस इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप भी कोशिश करके यही ग्रीस इस्तेमाल करें या इसके मुतबादल कोई और इसी तरह की हाई टेम्परेचर ग्रीस ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग इस गेयर बक्से में आयल और ग्रीस मिक्स करके डाल देते हैं, वो नहायत ही गलत तरीका है। आप इसके अंदर कोशिश करके सिर्फ ग्रीस का ही इस्तेमाल करें क्योंकि जब प्रेशर बनता है तो आयल आपका सारा निकल जाता है। आयल निकलने की वजह से खाली गेयर बक्सा चलता रहता है जिससे इसकी लाइफ मुतासर होती है। यहाँ पे मैंने इसका टेक्निकल डाटा मेंशन कर लिया, उसी टाइप्स के बैरिंग्स हैं, K
कितनी डिस्कें हैं, डिस्क के होल कितने हैं, डिस्क के टीथ कितने हैं और होजिंग के कितने टीथ हैं, कितनी नीडल्स हैं, वो सारा डाटा आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं।